वहीं नगर निगम रिसाली की टीम द्वारा आजाद मार्केट चौक के समीप अवैध रूप से संचालित डेयरी में तोड़फोड़ कर स्थल को कब्जा मुक्त कराया गया, साथ ही सामानों को जब्त करने की कार्यवाही भी की गई। नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा व नगर निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने नगर निगम क्षेत्र के अतिक्रमण कार्यों पर सख्ती दिखाना आरंभ कर दिया है। इसी के तहत नगर निगम के राजस्व व जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेदखली अभियान चलाते हुए आजाद मार्केट चौक के निकट परदेशी यादव, दीनदयाल यादव और धनेश यादव के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया। तीनों भाइयों द्वारा सीसी रोड पर कब्जा कर सड़क को बंद कर दिया गया था। सड़क पर सरिया गाड़कर मवेशियों को बांधा जाता था, साथ ही सड़क किनारे खाली जमीन पर मवेशियों को चारा देने स्थायी निर्माण कर लिया गया था। नगर निगम आयुक्त ने बेदखली के बाद दोबारा कब्जा करने से बचाने फेंसिंग करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई को लेकर नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि अवैध कब्जेधारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पूरी सूची तैयार कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने लगातार अभियान जारी रहेगा। निगम कर्मचारियों ने अवैध कब्जे जो हटाए हैं बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि खटाल वाले लोग रोड में ही अपने मवेशी को बांधते थे और अपना व्यवसाय वहीं से शुरू करते थे। जो खटाल वाले हैं दूध का व्यापार करते हैं और गोबर दूध निकालने के बाद गाय को रोड पर छोड़ देते हैं, आए दिन एक्सीडेंट की शिकायत बनी रहती थी वहाँ। और गोबर को खटाल के समवाय साइड में गोबर हम डंप भी करते हैं, तो निगम बहुत अच्छा कार्य किए इसके लिए। आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। अगर हम लोग अपनी मनमानी करेंगे तो फिर निगम सख्ती पे ही आएगी। गौरतलब है कि तीनों भाई अलग अलग डेयरी का संचालन करते हैं। दूध निकालने के बाद मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ने के साथ ही गोबर को सड़क और नहर किनारे फेंका जाता था। बहरहाल कार्रवाई के दौरान नेवई थाने का बल भी मौजूद था। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।